नगरपालिका निगम रिसाली क्षेत्र में भी कई भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से खेतों में प्लॉटिंग की जा रही है, जिसकी शिकायत मिलने पर रिसाली निगम आयुक्त द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई एवं मार्ग संरचना को ध्वस्त कराया गया। अवैध प्लॉटिंग के मामले में नगरपालिका निगम रिसाली एक्शन मोड में है। आयुक्त आशीष देवांगन ने अपनी उपस्थिति में न केवल सड़क को उखड़वाया बल्कि सड़क बिछाने में उपयोग में लाया गया मुरुम को जब्त करने के निर्देश भी दिए। खास बात यह है कि अवैध प्लॉट बेचने भूस्वामी ने लगभग 5 लाख रुपए खर्च कर सड़क बनवाया था, जिसे आयुक्त ने सड़क को अपनी उपस्थिति में पहले उखड़वाने के निर्देश दिए। एकत्र मुरम को जब्त कराया, इसके बाद सड़क को 20 से JCB से खुदाई कर छोड़ दिया गया। आयुक्त आशीष देवांगन ने फरमान जारी किए हैं कि निगम क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग करने का कार्य बिल्डर स्वयं बंद कर दे, अन्यथा निगम प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिलने पर सर्वे के दौरान राजस्व विभाग को मिली सूचना के आधार पर अवधपुरी के अंतिम छोर पर लगभग 1 एकड़ खेत है, जिस पर कुछ दिनों पूर्व सड़क बनाया गया था। अधिकारियों ने शिकायत के पहले पुष्टि की, इसके बाद आयुक्त को सूचना दी। निगम आयुक्त तत्काल मौके पर पहुंचे और अपनी उपस्थिति में सड़क उखड़वाने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए रिसाली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।